यार बहुत भूख लग रही है यार, तो कहीं खाने चलें बाहर? यहाँ पे क्या मिलेगा? अरे राजस्थान जोधपुर की सबसे फेमस सिटी है खाने पीने के मामले में, तो फिर कहाँ चलें? मैंने सुना है जनता स्वीट्स करके यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे समोसे कचौड़ी। तो फिर एक बात, तैयार होना पड़ेगा क्या? तैयार होके नहीं जाना, जब खाना खाना है तो पेट चाहिए आराम। खुले ढुल्ले कपड़ों में जाओगे तो खाना ज्यादा खा पाओगे। अब हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं जोधपुर का फेमस आइकॉनिक जनता स्वीट होम। यहाँ पर हम आने से पहले हमने कई सारी चीजें सुनी। एक आदमी यहाँ पे रहते जिनका नाम है रवि शर्मा। थैंक यू सो मच रवि शर्मा जी, आपने मेरे को एक प्रॉपर आर्टिकल भेजा जो आपका ही लिखा हुआ था जोधपुर के बारे में। उसमें आपने हमारे को काफी सारी चीजें बताई, हमारे को उससे काफी हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए। तो इसी खुशी में आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए जनता स्वीट होम, जहाँ पर मावा कचौड़ी मिलती है। मावा कचौड़ी जोधपुर की ही ओरिजिनल है। चलते हैं, मस्त खाना का कहते हैं, जबरदस्त फूड ब्लॉग करके आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? आई नीड समथिंग टू ईट एंड टू फिल माय बेली। हमारे से हिंदी में बात किया कर, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना आता है, मुई भी है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लेवल करा स्पेनिश का। So guys, we have arrived at Janta Sweet Home Private Limited. Janta is sweet. यहाँ की मावा कचौड़ी बहुत फेमस है, हम वहाँ पे जाके खाते हैं, देखते हैं कैसी है। और मेरे को जितने भी लोगों ने मैसेजेस करे जिन्होंने बोला कि आप जोधपुर आ रहे हो तो आप इस शॉप पर जरूर जाना, क्योंकि ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शॉप्स है खाना खाने के लिए और स्वीट्स के लिए। तो चलते हैं और खा के देखते हैं यहाँ पर कि जनता स्वीट होम कैसा है। उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है लेवल जो मैंने सोचा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइप का खाना मिल रहा है, सैंडविचेस भी मिल रहे हैं, खाना प्रॉपर मेन कोर्स भी मिल रहा है और स्वीट्स तो अनलिमिटेड है, इतनी सारी टाइप की है। अब हमें बस खा कर देखना है कि यहाँ पर कैसा सब कुछ मिलता है। तो अब ऑर्डर करते हैं, हम ऑर्डर करके बताते हैं कि हम क्या क्या हमने सेलेक्ट किया। मावा कचौड़ी से मच वो तो मंगाएंगे, हम दूसरों की प्लेटों में जाके देगा कि और क्या क्या अच्छा मिल रहा है। ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हम कब से नमकीन में ढूंढ ही जा रहे हैं कि कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी, तीन कचौड़ी दिख रखी है, हम कब से प्याज कचौड़ी ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने हमें अपने औकात बता दी, प्याज नहीं होता, ऑनियन कचौड़ी होती है, झंड होगी हमारी। तो कचौड़ी तो हमें नहीं मिल रही है, कचौड़ी मिलेगी सुबह। मावा कचौड़ी मिल सकती है, वो नीचे पड़ी थी, लेकिन आपको प्लेन कचौड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि वो नाश्ता होता है यहाँ का, वो सुबह मिलती है, तो हम सुबह आके खाएंगे। फिलहाल हमने ऑर्डर कराया एक मसाला डोसा, यहाँ पर एक बेक्ड चीज पिज्जा है, बेक्ड चीज पिज्जा करा है। पिज्जा खा के बताता हूँ कि मेरे को इधर का पिज्जा कैसा लगा। मेरे को ऐसे खाना पसंद है पिज्जा, बिल्कुल गंद मचा के उसमें। बहुत अच्छा है, ऐसा पिज्जा हमें बीकानेर में मिलता होगा, ऑलमोस्ट ऐसा, थोड़ा कम चीज, माल अंदर है। देखो अभी कुछ भी नहीं है इसमें। आलू सांभर मेरी भी रंग का बहुत अच्छा डोसा है। मुझे जल्दी भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि हम आगे की चीज़ आपको दिखा पाएंगे हम और यहाँ पे क्या खाने वाले हैं। मोटा क्योंकि हमने खाया पिज्जा और मसाला डोसा, फिर भी हम मावा कचौड़ी खा के ही जाएंगे। और अब हमारे को काफी देर नींद आ रही है, मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ रसमलाई के मामले में, मुझे सिर्फ रसमलाई 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 खानी होती है, मैं ज्यादा ट्राई नहीं करता। तो कोमल मावा कचौड़ी मंगा रही है, मैं मंगा रहा हूँ रसमलाई। यो यो नैनो की हेलो।
आ चुकी हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर में लाएगा, तब तक मेरा खाना नीचे हो जाएगा। अभी तो मैं इनको सजा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। खा ले, ड्रामे मत कर। मेरे लिए ओके है ये, तो मेरे बीकानेर में ज्यादा अच्छी है। रसमलाई बहुत टेस्टी है। कोमल जो कह रही है कि रसमलाई उसको नहीं अच्छी लगी क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा मीठा, जो बीकानेर में रसमलाई मिलती है बहुत मीठी है। इस रसमलाई का टेस्ट बहुत सटल सा है और बहुत भीनी भीनी सी है, और बहुत मतलब जिनको ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद है उनको भी ये रसमलाई अच्छी लगेगी। इसका बहुत मिल्की सा टेस्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं जल्दी बताता हूँ मावा कचौड़ी कैसी है, क्योंकि यहाँ की मावा कचौड़ी बहुत हाइप्ड अप है, उसमें बहुत घी डला हुआ है और चाशनी है, जस्ट अमेजिंग। अभी बाहर निकल गई, बहुत अमेजिंग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो मैं सच्ची में रेकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ पर आओ जनता स्वीट शॉप पे, और इधर आके ये सब खाना खा के एक्सपीरियंस करो, क्योंकि खाना बहुत अमेजिंग है। आप हज़ार चीज़ और ट्राई कर सकते हो, उनकी बहुत सारी लंबी मेन्यू है। कहने को ये दिल्ली का हल्दीराम भी है, तो आप आओ यहाँ, आओ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा खा लिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे उतरा जाएगा सीढ़ियों में, एक्सट्रीमो। बाहर हो रही है ठंड, जोधपुर में अच्छी खासी ठंड हो रही है दोस्तों। अब हमने अच्छे से खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। ये है जनता स्वीट होम, यहाँ का आइकॉनिक स्वीट शॉप है। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि हम रोज नई स्टोरी डाल रहे हैं। जाओ, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो। Adios, amigos.